हेलो दोस्तों, मैं श्रुता सेठ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है ग्रीन चटनी पर, जिसे आप किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हो और इसे बनाना बहुत ही इजी है और तुरंत बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने ये एक मिक्सी जार ले लिया है और साथ में ही इसके अंदर मैं 5 लहसुन की कली डाल दूंगी, साथ में ये हरी मिर्ची 2 कटी हुई, ये दालिया है 2 चम्मच जितना, साथ में ये पुदीने के पत्ते थोड़े से और 1 कप जितना धनिया, जिसे मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है, उसके बाद यूज़ किया है। उसके बाद अंदर थोड़ा सा मैं ये नमक डाल दूंगी और काला नमक, जिससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद आधा नींबू का रस जाएगा अंदर। नींबू के रस डालने से चटनी का जो कलर है वो एकदम हरा का हरा ही रहता है, काला नहीं पड़ता है। मैं इसमें पानी डालना भूल गई थी, पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। इसके अंदर हमें एकदम ठंडा ठंडा पानी डालना है ताकि चटनी का कलर चेंज ना हो जाए। अब इसे मैं पीस लूँगी। ये देखिए, हमारी चटनी पीस कर रेडी हो चुकी है। इसे एकदम स्मूथ पीसना है हमें। हमने जो दालिया डाले थे उसकी जगह आप रोस्टेड मूंगफली भी ले सकते हो, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस बनी रहती है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, हमारी हरी चटनी एकदम रेडी हो चुकी है। अब आप इसे स्टोर भी कर सकते हो। इस चटनी को स्टोर करने के लिए हम जो बर्फ जमाते हैं उस ट्रे में इस चटनी को हमें डाल देना है। 4 से 5 घंटे तक फ्रीजर में इसे रख देंगे। उसके बाद उसके जो क्यूब बन जाएंगे उस क्यूब को हमें जिपलॉक बैग में डाल देना है और जब भी चटनी हमें यूज़ करनी हो उसमें से 3-4 क्यूब बाहर निकालकर नॉर्मल टेम्परेचर पर आकर ये फिर से चटनी हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।